Hello aspirants, this is Ahir and I welcome you back to SSB Crack Exams, your one-stop destination for all defense related examinations. You name it, we have it. A very pleasant good morning to each and every one of you. Sabhi ko jai hind bachao, fatafat se jo baki ke students ke saath bhi link share karo. Okay, Nikhil Raghav, Sachin, Tripti Shukla, Aditi Pandey, Muskan, Puran Chandra Chaudhary, Avishad Chaudhary, Anish, okay, Vidhi Singh. Okay, jude jao bachao. तो आज 13th ऑफ जुलाई जो कुछ भी इंपॉर्टेंट्स है, करंट अफेयर्स और अपडेट्स हैं, उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मूविंग अहेड, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएसबी क्रैक एग्जाम इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन पोर्टल फॉर डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन। वी प्रोवाइड यू विद वीडियो लेक्चर, जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ होते हैं। डेली करंट अफेयर्स, डेली डिफेंस अपडेट्स, लाइव क्लास आपको देखने को मिल जाएंगी। स्टडी प्लान्स और स्टडी नोट्स बहुत ही क्रिस्प और क्लियर होता है। अपडेटेड हमारा सिलेबस है। जो कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी है उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न, सिलेबस पैटर्न को फॉलो करके ही सब कुछ बनाया जाता है। मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो रैंक एनालिसिस हम ही बता देंगे कि वेयर आर यू एक्चुअली स्टैंडिंग, और आपको इन सभी का ऑफलाइन एक्सेस भी मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिएगा एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ई लर्निंग ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस आर ऑल द कोर्सेस, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करो। एनडीए, सीडीएस, एफकैट और एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड भी फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं बच्चों, और टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, और सब्जेक्ट का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लेक्चर का पीडीएफ सबसे पहला ऐप में ही मिल जाएगा। जब आप कोई ऐप में जाकर कोई कोर्स या बंडल खरीदोगे, देयर यू विल फाइंड डेली करंट अफेयर्स एंड डिफेंस अपडेट्स। दूसरा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप इसे हमारे वेबसाइट ssbcrackexams.com से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। ओके, शैल वी बिगिन। कितने बच्चे जिंदा है? जिंदा है तो हरकत करो क्विक। ओके, आज गुरु पूर्णिमा है क्या? थैंक यू सो मच। मतलब विश कर रहे हो या फिर मांग रहे हो रिटर्न गिफ्ट? ओके बच्चों, सो लेट अस बिगिन। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो डू सब्सक्राइब एंड स्प्रेड द वर्ड अबाउट एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। ओके, आ जाओ बच्चों, जुड़ जाओ। सो क्वेश्चन ऑफ द डे हमने पूछा हुआ था, फर्स्ट अनऑफिशियल बच्चों, ठीक है, फर्स्ट अनऑफिशियल सेंसस वॉज डन इन इंडिया अंडर द रूल ऑफ, उस वक्त वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे वो कौन थे बच्चों? लॉर्ड मेयो इज द राइट आंसर। तो 1872 में पहली बार सेंसस इंडिया में किया गया था लॉर्ड मेयो के अंडर, लेकिन पहला ऑफिशियल सेंसस लॉर्ड रिपन ने करवाया हुआ था। इवन आज भी इंडिया में जो सेंसस की हिस्ट्री जाती है वो दरअसल हम 1881 को ही ट्रेस करते हैं बच्चों, द फर्स्ट सेंसस विच वी हैव डन। तो पहला अटेम्प्ट लॉर्ड मेयो ने किया हुआ था, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली कहा अनऑफिशियल सेंसस। ठीक है, अगर मैं यहां पर मियर सेंसस देता या फिर ऑफिशियल सेंसस देता तो नो डाउट लॉर्ड रिपन वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। तो सिंस 1901 हर डेकेड यानी कि हर 10 साल में एक बार हम सेंसस करते ही आए हुए हैं। सिंस 1971 से लेकर अब तक भी हम रेगुलरली कर रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड अब पता नहीं कब सेंसस नेक्स्ट होगा। और अमित शाह जी ने यह भी कहा हुआ है कि इस बार का सेंसस पूरा डिजिटल होगा, तो शुड वेट एंड वॉच के क्या कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे डिजिटल सेंसस को कंप्लीट करने के लिए। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। और इन 2011 में जो सेंसस किया गया था बच्चों, इट वाज एक्चुअली 15th सेंसस, तो अभी जो होने वाला है वो 16th था। ओके गुड, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज, दरअसल ये आज नहीं बच्चों, कल होने वाला है फर्स्ट I2U2 लीडर्स समिट। ये दरअसल पिछले ही साल अक्टूबर के महीने में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था। जैसा हम एशिया का क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, क्वाड, क्वाड के बारे में तो आप सभी को भी पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया चारों ने मिलकर जो क्वाड बनाया हुआ था वो बहुत ही पावरफुल है। उसे एशिया का नाटो भी कहा जा रहा था, या नाटो का रिप्लेसमेंट भी कहा जा सकता है। तो उसी तरीके से अब यूएसए अपने कदम वेस्ट एशिया में भी, या फिर मिडिल ईस्ट जिसे हम कहते हैं, तो वेस्ट एशिया में भी यूएसए अपने कदम रखने की कोशिश कर रहा है। वहां पर भी कहीं ना कहीं वो अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। तो उसे पता है कि वहां पर स्ट्रांग कंटेंडर नो डाउट एक तो इसराइल उसे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसराइल की ज्यादातर वेस्ट एशिया में पड़ती नहीं है, लेकिन अब वहां पर पैराडाइम चेंज हो रहे हैं बच्चों। आस्ता से सऊदी, यूएई, ये सभी इसराइल को स्लोली एक्सेप्ट करने लग चुके हुए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंडिया भी है जिसे हम एक फ्रेंडली नेशन है, क्योंकि सभी के साथ इंडिया की अच्छी पड़ती है। तो इंडिया को, यूएसए को पता है कि इंडिया को भी साथ अगर ले लें तो बहुत ही पॉजिटिविटी उन्हें मिल जाएगी इससे रिलेटेड, और इंडिया को भी लगता है कि हाँ वेस्ट एशिया में भी हमारा कंसिडरेबल प्रेजेंस होना चाहिए।
तो एक पावरफुल ग्रुपिंग बनाने की कोशिश की जा रही है बच्चों, और यह पहला लीडर समिट होगा, ठीक है, सिंस फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट जो पिछले साल हुई थी उसके बाद यह पहला ऐसा लीडर्स का समिट होगा जो कल होगा बच्चों। सो शुड वेट एंड वॉच के क्या कुछ होगा इससे रिलेटेड। तो चार कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफकोर्स कौन होंगे बच्चों, इसराइल के पीएम यासिर लपिद, यहां पर आप उनका इमेज देख सकते हैं, दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ यूएई मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जी, तीसरे तो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और चौथे जोसेफ बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट। तो ये चार लीडर्स कल मिलने वाले हैं बच्चों, और वर्चुअल कल समिट चलेगा। तो पहली बार कहीं पर भी इन्होंने यू नो स्पेसिफिकली ये नहीं रखा हुआ था इस तरीके का समिट, तो पहली बार ये वर्चुअली ही रख रहे हैं। तो इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट सी चीजें हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज जो है वो ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स के बारे में ही बात किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट सी बात बच्चों, एक खासियत आप इस यू नो इस ग्रुपिंग की ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कई बार कहा कि अलग अलग ग्रुपिंग के अलग अलग नेचर्स होते हैं, ठीक है। जब हम यू नो क्वाड की बात करें, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन क्या था, इंडो पैसिफिक रीजन में पीस मेंटेन करना, मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। वही अगर हम यहाँ पर I2U2 की बात करें, तो यहाँ पर इकोनॉमिक के बेसिस पर इन्होंने रखा हुआ है कि कॉमन एरियाज हमारे कहाँ कहाँ पर है म्यूचुअल इंटरेस्ट के, और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को हम किस तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी आइडियल अभी नहीं दिया गया है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी कंफ्यूजन चल रहे हैं उससे डील करने की कोशिश करेंगे, या यू नो वेस्ट एशिया में जो पॉलिटिक्स चल रहे हैं उसमें हम कहीं ना कहीं खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम इंडो पैसिफिक में ओपनली कह रहे हैं चाइना के खिलाफ ही तो वो था, ऐसा हमने यहाँ पर कोई भी मैसेज अभी तक नहीं दिया हुआ है, लेकिन अभी वेट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रीजनल ग्रुपिंग्स जब शुरू होते हैं तो अपने एरियाज को ब्रॉडर करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये प्ले रोल जो है वो प्ले करने वाला है बच्चों। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात इन्होंने पहली बार कही हुई है, और ये प्रोजेक्ट जो है स्पेसिफिकली इकोनॉमिक कोऑपरेशन और अपॉर्चुनिटीज के लिए एक जबरदस्त सा वर्ल्ड वाइड मॉडल भी बन सकता है, दिस इज व्हाट दे हैव सेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये ग्रुपिंग जो है वो पिछले ही साल अक्टूबर के 18th को फॉर्मलाइज किया गया था बच्चों, कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था, जब इस चारों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक मीटिंग रखी हुई थी, और सिंस देन शेरपा लेवल मीटिंग्स यानी कि एम्बेसडर लेवल के मीटिंग्स हम कंटिन्यूअसली चला ही रहे थे, और पॉसिबल एरियाज जो कुछ भी कोऑपरेशन के हमें मिलेंगे उससे रिलेटेड हम डिस्कस कर ही रहे थे। तो अभी लगभग जो इंपॉर्टेंट सी वर्चुअल मीटिंग चलेगी ना बच्चों, छह म्यूचुअल आइडेंटिफाइड एरियाज ऑलरेडी रखे हुए जो शेयर पास काम कर रहे थे सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर, तो उन्होंने कहा कि ये छह इंपॉर्टेंट से चीजें हैं जहां पर जॉइंट इन्वेस्टमेंट में हम एंकरेजमेंट दे सकते हैं। एक तो हो गया वाटर, दूसरा एनर्जी, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी। तो पहले इन छह सेक्टर्स से हम शुरू करते हैं, बाद में इसे फर्दर ब्रॉडर करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर पुश देने की कोशिश की जाएगी, एडिक्वेट कैपिटल प्रोड्यूस किया जाएगा, एक्सपर्टाइज वगैरह उन्हें दिया जाएगा ताकि लो कॉस्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकें, लो कार्बन डेवलपमेंट एमिशन के साथ हम आगे बढ़ सकें, और ग्रीन टेक्नोलॉजीज। देखो दिस इज वन सच रीजन व्हाई इंडिया इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, क्योंकि एज ऑफ नाउ सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज कम ही इज गिविंग अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा काम होने वाला है। और भी कई उन्होंने कैटेगरीज दिए हुए थे बच्चों, मैंने पीडीएफ में लगाए हुए हैं, आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। लेट अस वेट कल क्या चलेगा, मैं आपको परसों या फिर द डे आफ्टर मैं आपको बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट सा डिक्लेरेशन भी साइन जरूर किया जा सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि पहली बार वेस्ट एशिया में या फिर जिसे आप मिडिल ईस्ट कहते हैं इस तरीके का पहला पावरफुल ग्रुपिंग बनाया जा रहा है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, हम सभी को भी पता है कि आजादी के अमृत महोत्सव जो 75 इयर्स का सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं उसका नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दिया गया है। मोटा भाई सब कुछ ओवरव्यू देख रहे हैं कि इंडिया में कैसा कैसा सेलिब्रेशन चल रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक नया कैंपेन लॉन्च करने की बात की गई है, हर घर तिरंगा कैंपेन। हर घर तिरंगा कैंपेन, ये दरअसल आइडिया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वालों ने जस्ट अ मिनट, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वालों ने होम मिनिस्ट्री का परमिशन लिया हुआ है, और अमित शाह जी भी बहुत ही खुश थे इस कैंपेन से। ये कैंपेन लॉन्च किया जाएगा बच्चों बहुत ही जल्द, के हर घर जब हम अगस्त 15th सेलिब्रेट करेंगे हमारा इंडिपेंडेंस डे, तो हर घर पर तिरंगा लहरा जाए। अब आप टाइटल से ही पता कर सकते हैं, हर घर तिरंगा कैंपेन, तो कंट्रीमैन को इंस्पायर करने के लिए कि आप वो अपने अपने घरों पर जब हम 75th इंडिपेंडेंस डे को मार्क करेंगे
वो सभी अपने घर ऑफिसर्स जहां कहीं पर भी वो जीते हैं वो इस तिरंगे को जरूर लहराएंगे। और ये महज ऐसा नहीं है कि एक एक्ट ऑफ पर्सनल कनेक्शन होगा कि भाई हम अपने ना तिरंगे को इज्जत दे रहे हैं, ऐसा महज ऐसा नहीं है, ये हमारे नेशन बिल्डिंग में हमारे लिए कमिटमेंट भी होगा कि जब हम अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराएंगे तो हम एक कमिटमेंट दे रहे हैं कि हम इस इस ध्वज को इसी तरीके से ऊंचा लहराते ही रहेंगे। एक कमिटमेंट हम नेशन बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं। तो ये कैंपेन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है बच्चों। एंड एक और इंपॉर्टेंट सी चीज जो अभी कही गई कि तिरंगा जब हम लहराएंगे तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 को जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि इस फ्लैग का अपमान पूरे देश का अपमान है, क्योंकि ये पूरे देश की आइडेंटिटी है बच्चों। जो लगभग 135 करोड़ लोग हैं उन सभी की आइडेंटिटी है। तो 2002 में हमने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है वो एस्टेब्लिश किया हुआ था, रखा हुआ था, कंपाइल किए हुए थे, इससे पहले भी थे लेकिन अलग अलग लॉस वगैरह के द्वारा, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के द्वारा हम उन्हें डिडक्ट करते थे। लेकिन वाजपेयी साहब के सरकार में इस पूरी तरीके को इसे कंपाइल करके एक कोड बनाया गया था। तो क्या क्या है कन्वेंशन प्रैक्टिस, किस तरीके से नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले किया जाता है, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, वो कब से किस तरीके से आप इसे हॉइस्ट कर सकते हैं, उसके डायमेंशन क्या है, वो सभी इसी कोड में दिए गए हैं। तो सिंस 26 जनवरी 2002 से फुल फ्लेज्ड ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया फुल फ्लेज्ड जो है ना वो लागू किया गया बच्चों। तो लेट अस वेट एंड वॉच कि कितना सक्सेसफुल हर घर तिरंगा कैंपेन होता है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, दरअसल कल बेंगलुरु में एक मीटिंग थी बच्चों, स्पेसिफिकली एक इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस जो है ना इसरो का कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में, तो उसे इनॉग्रेट किया जा रहा था। तो वहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी गए हुए थे, तो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया कि लगभग सिंस वी हैव ओपन्ड द ओपन स्पेसेस ऑल्सो, ओपन स्पेस जो इंडिया का है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए जब हमने पार्टिसिपेशन के लिए ओपन दिया, तो सिंस देन लगभग 60 स्टार्टअप्स जो है ना रजिस्टर हो चुके हुए हैं इसरो के साथ वो मिलकर काम करने के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन में वगैरह में वो भाग ले रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चंद ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस डेब्री मैनेजमेंट से डील कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों। एज ऑफ नाउ अमेरिका चाइना सभी कंट्रीज इस पर काम कर रहे हैं, स्पेस डेब्री जो स्पेस, मान लेते हैं कि कोई सैटेलाइट हमने लॉन्च किया उसका लाइफ वैल्यू ना कुछ 10 साल का था, ठीक है, तो 10 साल के बाद जब उसका लाइफ वैल्यू खत्म हो जाएगा तो बेचारा ऐसे ही घूमता रहेगा ऊपर स्पेस में। कई बार किसी एस्टेरॉयड से टच हो जाता है, या फिर कई बार वर्किंग सैटेलाइट्स भी होते हैं वो किसी ना किसी मीटेरॉयड वगैरह से क्रैश हो जाते हैं और उनके पूरे जो छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स है ना वो स्पेस में ही होते हैं, तो कई बार ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं। और कई बार बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं ऐसे, देखो मान लेते हैं कि रशिया का कुछ टूटा हुआ स्पेस का सैटेलाइट का कुछ पार्ट था, वो किसी रिवॉल्व करते हुए अमेरिका के सैटेलाइट को जाके लग गया अनएक्सपेक्टेडली, और वहां पर अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, अमेरिका ने कुछ रिस्पॉन्ड किया अग्रेसिवली, तो क्या होगा, ये तो खुले तौर पर World War III ही होगा बच्चों। तो स्पेस डेब्री मैनेजमेंट से रिलेटेड काम बहुत ही जोरों शोरों के साथ चल रहा है कि किस तरीके से हम उन वेस्टेज को स्पेस से निकाल सकते हैं, ठीक है, जो फ्लाइंग फ्री ऑब्जेक्ट्स हैं धूल वगैरह वो किस तरीके से, जो इंसानों ने ही भेजे हुए हैं वो किस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जा रहा है सभी डोमेन्स में इसरो के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी काम किया जा रहा है। एंड वन डॉट नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, हमारा पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने अपना लोगो चेंज किया हुआ बच्चों, पहले अलग था अब अलग है। देखो ऑल इंडिया रेडियो और डीडी दोनों को मिलाकर अब ये लोगो बनाया गया है बच्चों। तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा जी, यहाँ पर आप उनकी इमेज देख सकते हैं, तो उन्होंने कल इसे अनवील किया हुआ था नए लोगों को। यहाँ पर बीच में ना वो वही मैंने कहा जो डीडी और ऑल इंडिया रेडियो के दो अलग अलग जो लोगोस होते थे उन्हें क्लब किया गया, बस इंडिया है, देखो यहाँ पर बीच में इंडिया, उसके बीच में माइक है। तो यही कहा कि द न्यू लोगो मैप ऑफ इंडिया सिग्निफाइज द सर्विस ऑफ ट्रस्ट सिक्योरिटी एंड परफेक्शन टू द नेशन, और जो डार्क मॉडिफाइड ब्लू कलर है यहाँ पर कॉर्नर्स में, तो इट रिप्रेजेंट बोथ स्काई एंड सी विच इज एसोसिएटेड विद ओपन स्पेस फ्रीडम इंटुएशन इमेजिनेशन। क्या इतनी क्या कहते हैं उसे इनोवेशन ला रहे हैं एक लोगों में, कुछ भी नहीं है, पुराने दो लोगों को जोड़ दिया गया है। ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ये कहा कि ब्लू ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मीनिंग ऑफ ट्रस्ट डेप्थ ट्रस्ट लॉयल्टी सिंसियरिटी विजडम, ये पढ़ लो बच्चों में पीडीएफ में मैंने लगा दिया हुआ, ठीक है। एंड ब्लू कलर ऑल्सो पेस ट्रिब्यूट्स टू इंडियन इथोस एंड ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद religious figures, mythological characters and found in Indian miniature paintings. Okay, on and whole Prasar Bharati ka naya logo aaya hua hai bachcho.
एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं बच्चों। दरअसल 1990s में यूगोस्लोविया एक कंट्री हुआ करता था बच्चों, पहले यूरोप में, अभी नहीं है वो, टूट करना बोस्निया हर्जिगोविना, सर्बिया, क्रोएशिया, ये सभी कंट्रीज अलग अलग हो चुके हुए। तो दरअसल ये बोस्निया और हर्जिगोविना में एक वॉर चल रहा था बच्चों, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट चल रहा था सिंस 1992 से लेकर 95 तक, बहुत बुरी तरीके से वहां पर वो कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो हुआ क्या, वहां पर चंद आसपास के यूरोपियन कंट्रीज ने भी मदद की हुई थी। देखिए प्रॉक्सी वॉर्स तो कई लोग लड़ते हैं, अब क्या किसका नाम लेना। तो वहां पर हुआ क्या, एक छोटा सा सेटलमेंट था बच्चों उसी बोस्निया और हर्जिगोविना के कंट्री में, यानी कि बाद में वो बना, यूगोस्लोविया का तोड़ने के बाद वो कंट्री बना हुआ था। तो सरेब्रेनिका एक छोटा सा वहां पर सेटलमेंट था टाउन। तो डच प्रोटेक्शन के अंडर, यूएन के स्पॉन्सरशिप में, डच यानी कि ऑफकोर्स हमारा नेदरलैंड जो था उनके प्रोटेक्टरेट के अंडर वो यू नो उस टाउन को लिया गया था बच्चों। लेकिन व्हाट हैपेंड इज, जो कि ये बोस्नियन वॉर चल रहा था पूरी तरीके से, तो वहां पर एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से अग्रेशन के साथ आया हुआ था, और नेदरलैंड्स जो कि ऑफकोर्स वहां पर यूएन के स्पॉन्सर्स के साथ वो जाकर काम कर रहा था, तो बहुत बिटरली वो फेल हुआ इस सरेब्रेनिका जेनोसाइड को बचाने में। कहा जाता है कि लगभग वहां पर 8,000 से भी ज्यादा मुस्लिम मेन और वुमेन को मार दिया गया था, मास ग्रेव्स में उन्हें दफन किया गया था। तो देखो 1995 की बात है, सिंस देन अभी तक यानी कि 27 ईयर्स बीत चुके हुए हैं। तो पहली बार अब नेदरलैंड ने अपोलॉजी किया कि जो हमने रोल वहां पर प्ले किया वो एडिक्वेट नहीं था, जो डच पीस कीपर ने सरेब्रेनिका जेनोसाइड में जो कुछ भी किया वो गलत था, यानी कि हम चाहते तो ऑफकोर्स बचा सकते थे, या फिर कहीं ना कहीं चूक हमसे हो गई जिनकी वजह से इतना बड़ा जेनोसाइड जो है वहां पर हुआ था। तो सिंस 1995 मैसेकर, ये पहली बार था जब डच के डिफेंस मिनिस्टर खुद बाहर आए हुए थे, कजिसा ओलनग्रेन, ठीक है, यहाँ पर आप ट्वीट भी उनका देख सकते हैं। तो उन्होंने सर्वाइवर जो कोई भी है जिनकी वजह से डच पीस कीपर्स के फेल्यूर की वजह से ही ये किलिंग्स हुए थे, प्रिवेंट नहीं वो कर पाए हुए थे, क्योंकि एक बार यूएन प्रोटेक्टरेट बन गया तो खत्म, वो सबसे सेफ जगह बन जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर उस वॉर की वजह से इतने लोगों की मार जान गई हुई थी। तो उन्होंने यही कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल्ड टू ऑफर एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू द पीपल ऑफ सरेब्रेनिका, एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी द डच गवर्नमेंट शेयर्स पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिचुएशन इन विच दैट फेल्यूर अकर्ड, फॉर दिस वी ऑफर आवर डीपेस्ट अपोलॉजीज, दिस इज वॉट हैज हैपेंड। तो वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने एक पब्लिक अपोलॉजी दी हुई है बच्चों, पूरी तरीके से मास ग्रेव्स में उन्हें मारकर दफन कर दिया गया था 1990s में, सरेब्रेनिका किलिंग्स, ठीक है। तो बोस्नियन सर्ब के फोर्सेस आए हुए थे और डच यूएन प्रोटेक्शन जोन था, दिस इज वन सच रीजन व्हाई इट वाज हॉरिफिक, कि ऑलरेडी आपने उस गांव को जीता हुआ था, ऑलरेडी यूएन प्रोटेक्शनेट स्टेट वो था, लेकिन फिर भी ये लोग बोस्नियन सर्ब वहां पर फोर्स आए हुए थे और 8,000 लोगों की जाने अटर स्ट्रेच, एक ही मैसिव किलिंग में इतने लोग मारे गए थे, और वो भी लगभग पूरे मॉडर्न टाइम में, हम किसी मेडिवल या फिर एंशिएंट टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज व्हाट दे एक्चुअली सेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वालों ने भी कहा कि ये एक्ट ऑफ जेनोसाइड था, कि वहां की सरकार खुद इससे जुड़ी हुई थी कहीं ना कहीं पब्लिक किलिंग्स में। तो फॉर्मर यूगोस्लोविया जो कि टूट के बाद में यू नो कई कंट्रीज में बना हुआ था, तो फॉर्मर यूगोस्लोविया के ऊपर भी वहां पर इस रूलिंग को दिया गया था कि यस what you did was actually genocide, or specifically it was actually the worst single atrocity of the war in which 1 lakh people died. So this is what has happened in the Srebrenica genocide. Don't get confused, Balkan wars kuch aur hai, wo bahut hi purane hai, ye khas kar Yugoslavia ke related jo problems chal rahe the 1990s mein usse related hai bachcho. Okay, ये खुशखबरी थी हमारे लिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो हमने पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया हुआ था ना बच्चों, एज ऑफ नो द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप यही है, हबल स्पेस टेलीस्कोप को भी इसने पीछे छोड़ा हुआ था। तो दिसंबर में वो गया, तो अभी जुलाई का महीना है, तो इतने महीनों के बाद वो सेटल हो गया और पहली बार हमें चंद ब्रेथ टेकिंग इमेजेस उसने कैप्चर करके दिए हुए हैं। तो दरअसल कल एक नासा के सेरेमनी में प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी ने इन इमेजेस को रिलीज किए हुए बच्चों,
पहला ये फर्स्ट कलर इमेज है नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से, जो कि हमें अर्ली यूनिवर्स कैसे दिखता था एक ग्लिम्स हमें बनाकर देगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इमेज हैज गिवन। अपार्ट फ्रॉम दैट कई इमेजेस भी रिलीज किए गए थे, इवन आज गूगल का डूडल भी इसी को अपने रिस्पेक्ट पे कर रहा है, रिस्पेक्ट पे कर रहा है यानी कि सेलिब्रेट कर रहा है। तो 13 बिलियन ईयर्स के पहले यूनिवर्स, अर्ली यूनिवर्स किस तरीके से दिखता था उसका क्लियरेस्ट इमेज हमें देखने को मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सी, ये स्टार्स नहीं है बच्चों, ये थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज हैं। ठीक है, गैलेक्सीज में कई अनगिनत स्टार्स होते हैं, तो ये ऐसे अनगिनत गैलेक्सीज के इमेजेस हमें उतार के भेज रहा है। सो दिस इज वॉट हैज हैपेंड, हिस्ट्री एक नई हिस्ट्री लिखी जा रही है, या फिर जो ऑलरेडी अब तक हम जिस चीज को कंसीव करते थे कि ऐसा ही होगा, क्योंकि एक जमाने तक वी ऑल यूज्ड टू बिलीव वर्ल्ड इज फ्लैट। ठीक है, गैलीलियो ने जब कहा कि वर्ल्ड फ्लैट नहीं है, व्हाट वी डिड, वी किल्ड हिम, कि क्यों बता रहा है तो ऐसी चीजें। बाद में लेटर ऑन इट वाज प्रूव्ड कि हाँ अर्थ फ्लैट नहीं है। तो पता नहीं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें क्या क्या नई नई रियालिटीज के साथ, ट्रूथ के साथ हमें जोड़ेगा। लेट अस वेट एंड वॉच। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग, ये कब से चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फिर ये क्या हर हफ्ते एक दो तीन वर्ल्ड कप चलते हैं क्या इनके बच्चों, डोंट यू थिंक कब से पढ़ रहे हैं हम यार, खत्म ही नहीं हो रहा ये वर्ल्ड कप। अच्छा है ये, जबरदस्त चलो कोई बात नहीं। साउथ कोरिया चांगवान में चल रहे हैं बच्चों ये वर्ल्ड कप इंटरनेशनल शूटिंग शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वालों के, तो वहां पर अर्जुन बबूता हमारे इंडियन ने कौन सा मेडल है भाई, सिल्वर नहीं गोल्ड मेडल जीता हुआ है। यस, ही हैज वन गोल्ड मेडल। तो उन्होंने टोक्यो 2020 के जो सिल्वर मेडलिस्ट थे लुकस, उन्हें हराया हुआ था 79 के, जो कि यूएसए के थे, और उसने गोल्ड जीता हुआ है। और इंडिया का पहला मेडल है बच्चों जब हमने एक नए फॉरेन कोच को रखा हुआ है, फॉरेन राइफल कोच थॉमस फार्निक को रखे हुए बाद में ये पहला गोल्ड मेडल है हमारा। ओके, एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये थोड़ा मोटिवेटिंग है, भगवानी देवी जी जो कि 94 ईयर ओल्ड स्प्रिंटर है इंडिया से, पता नहीं हम लोग जिएंगे भी नहीं इतने साल, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है देखो उस एज में। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है, तिरंगे के साथ। तो भगवानी देवी जी ने इंडिया के जो रिप्रेजेंटेशन है गोल्ड मेडल जीता हुआ है 100 मीटर स्प्रिंट रेस में, वेयर इन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि टम्पेरे फिनलैंड में हुआ था बच्चों। ठीक है, तो और उनका टाइमिंग जो था वो 24.74 सेकेंड्स था। अच्छा ही है, जबरदस्त है एक्चुअली। 94 ईयर ओल्ड 24.74 सेकेंड्स में 100 मीटर्स भागना, इट इज एक्चुअली ग्रेट, रियली एन इंस्पिरेशन बच्चों, गुड, दादी जी इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्ट पुट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। अब बस करो दादी, हमें शर्म आ रही है। ओके, तो शॉर्ट पुट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है दादी जी ने। तो वर्ल्ड मास्टर एथलेट चैंपियनशिप जो था वो फिनलैंड में चल रहा था बच्चों, जून 29 से जुलाई 10, और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप कैलिबर इवेंट जो स्पोर्ट्स ऑफ एथलेट्स मेल और फीमेल के लिए है जो 35 इयर्स के ऊपर हैं। ये स्पेसिफिकली उन एथलेट्स के लिए हैं जो 35 के ऊपर हैं बच्चों। तो दादी जी ने तो पूरे क्या कहते हैं उसे बाउंड्रीज ही तोड़ दी, 35 कहां 94 कहां। ओके, कंग्रेचुलेशन फॉर भगवानी देवी जी, गुड। चलो, सो दैट वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट रिव्यू करंट अफेयर बच्चों, रिव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वाड के बारे में देखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि I2U2 जब होगा समिट उससे रिलेटेड हम देखेंगे, तो क्वाड के ग्रुपिंग में इंक्लूडेड नहीं है क्वाड, वैसे भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, डोंट इग्नोर क्वाड। यस, सेशन को लाइक और शेयर करो बच्चों, आपको भी बागवानी देवी जी से मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है, इंस्पिरेशन लो बच्चों, दिस इज एक्चुअली रियली ग्रेट, उस एज में जाके मेडल जीतना वो भी फिनलैंड में, हम अपना स्टेट छोड़ के नहीं जाते। ओके, रशिया इज द राइट आंसर, रशिया क्वाड का मेंबर नहीं है, रशिया क्वाड का क्वाड में था तो अमेरिका क्या करेगा वहां पर। क्वाड के मेंबर्स का मिलिट्री एक्सरसाइज,
क्या कर रहे हो बच्चों, अटेंडेंस लगाओ। कई बच्चों ने लाइक नहीं किया। द रिटर्न विच वी आस्क फ्रॉम इज लव एंड सपोर्ट। आपको भी क्वाड कंट्री में रहने का मौका मिलेगा बच्चों, तुम तो पैदा ही क्वाड कंट्री में हुए थे। ओके, एब्सोल्युटली राइट, द करेक्ट आंसर इज मलाबार। मलाबार इज द राइट आंसर। नाइन डैश लाइन किससे एसोसिएटेड है? यस, एब्सोल्युटली राइट, ये चाइना ही करता है। ये सभी बदमाशियां, ये देखो ये पूरा नाइन डैशेस है यहां पर, ये साउथ चाइना सी। कहता है कि पूरी जगह मेरी है, दिस इज व्हाट चाइना सेज। यहाँ वियतनाम है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ये कहां जाए। नाइन चाइना इज राइट आंसर। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी किससे एसोसिएटेड है? अरे नहीं नहीं उस लॉजिक से जाएंगे तो पूरा इंडियन ओशन क्या, पूरी पूरा दुनिया ही हमारा है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं बच्चों। चाइना का लॉजिक अगर इंडिया यूज करेगा तो पूरी दुनिया हमारी ही है। चाइना का साउथ चाइना सी क्या है? बट वी डोंट डू दैट। वी रिस्पेक्ट एवरी कंट्रीज सॉवर्निटी। वी वॉन्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू बी गिवन। ओके, सो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी चाइना का ही है बच्चों। इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। देखो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव से अलग अलग इस तरीके के मैरीटाइम यू नो लिंक्स वगैरह बना के इंडिया को कवर करना चाहता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और नेकलेस ऑफ डायमंड की स्ट्रेटजी किसकी है? तुम्हारे पास पर्ल्स हैं तो हमारे पास डायमंड है। यस, एब्सोल्युटली राइट, नेकलेस ऑफ डायमंड इंडिया का है बच्चों। ठीक है, ये इस तरीके से ना इंडिया भी चाइना को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो ये सभी सपोर्टिव कंट्रीज ही हैं इंडिया के लिए। ईरान के साथ हमारी अच्छी है, मंगोलिया, जापान, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया तो हिस्टोरिकली भी हमसे जुड़ा हुआ था, चोला पहुंचे हुए थे यहाँ पर, मिडिवल हिस्ट्री में हम देखते हैं ना बच्चों। सो इंडिया। आइडिया ऑफ क्वाड पहली बार किसने दिया हुआ था? आइडिया ऑफ क्वाड वॉज फर्स्ट मूटेड बाई। क्विक बच्चों सेशन को लाइक करो। द रिटर्न विच वी आस्क फ्रॉम इज लव एंड सपोर्ट। एब्सोल्यूटली राइट, फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी, रिसेंटली जिन्हें असैसिनेट किया गया था बच्चों। तो 2007 में पहली बार उन्होंने क्वाड का आइडिया दिया हुआ था। डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ था एशिया के? देखिए वैसे तो एक साल का करंट अफेयर्स कवर करना जरूरी है, एक साल बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं सर, हमें टाइम नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट 6 महीने का तो कर ही लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि एक साल का रिवीजन कर ही लो, यूपीएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। नहीं बच्चों, ये भी शिंजो आबे जी ने ही दिया हुआ था 2012 में। दरअसल क्वाड के उस एवोल्यूशन के फेजेस में ही है। देखो डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड इंडो पैसिफिक के रीजन में उस डेमोक्रेसी को मेंटेन करें। देखो ये भी चाइना के ऊपर ही टारगेटेड है। चाइना में नाम के वास्ते डेमोक्रेसी चलती है बच्चों, ठीक है, लेकिन एक ही पार्टी रूल करती है। अब किसे जाके वोट दोगे? ऑप्शन ही नहीं है, एक ही है ना। अगर लोकल छोटे छोटे भी हो तो उन्हें पनपने की इजाजत नहीं दी जाती। तो शिंजो आबे जी ने दिया हुआ था। 2021 में क्वाड समिट कहां पर हुआ था?
नहीं 2021 बच्चों, जापान का तो इस साल था ना, 22 का था जापान का, 21 का यहाँ रखा हुआ था यूएसए में। ठीक है, यूएसए इज द राइट आंसर। मोदी जी गए थे ना यूएसए। और 23 का कब एक्सपेक्टेड, कौन होस्ट करेगा बच्चों 23 का? अभी रिसेंटली जब जापान में खत्म हुआ तो हमने डिस्कस किया कि नेक्स्ट ईयर किसे होगा। नहीं इंडिया नहीं है, पहले था इंडिया, पहले था, लेकिन ये जापान में जब समिट हुआ तो आखिर में इन लोगों ने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया में रखेंगे, तो अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होगा बच्चों। नहीं इंडिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, पहले इंडिया ही था लेकिन बाद में जापान में जब क्वाड के समिट चल रहे थे तो एंड में यही रिक्वेस्ट किया गया कि नहीं ऑस्ट्रेलिया रखेगा, तो ऑस्ट्रेलिया को दिया गया बच्चों। डी इज द राइट आंसर। जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? यस एब्सोल्युटली राइट, फुमियो किशिदा, ही इज करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। इसरो का हेडक्वार्टर्स कहां पर है बच्चों? एंड इवन इसरो में भी फुल फ्लेज्ड इस हबल या जेम्स वेब टेलीस्कोप की तरह टेलीस्कोप पर भी फुल फ्लेज्ड काम चल रहा है बच्चों। पुणे का हेडक्वार्टर कहां पर है? अभी अभी देखा हमने, कुछ लॉन्च किया गया था जितेंद्र सिंह जी ने और कहा कि 60 स्टार्टअप्स मिले हुए हैं। ओके गुड, बेंगलुरु में है बच्चों, बेंगलुरु में कई ब्रांचेस भी हैं इसरो के। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इसरो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? अभी ये तो हमने देखे हुए हैं, जल्दी क्विक बता दो। ओके सो द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स 15th of August 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। SDSC का फुल फॉर्म क्या है? ओके SDSC इज एक्चुअली सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में, यही से रॉकेट्स इंडिया लॉन्च करता है बच्चों। किस सीरीज ऑफ सैटेलाइट को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, टीवी के जो आप देखते हैं ना वो वाला? यस एब्सोल्युटली राइट, इनसैट सीरीज बच्चों, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, यही सीरीज था जिसकी वजह से पहली बार हमने कम्युनिकेशन के सैटेलाइट्स लॉन्च किए हुए थे, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के सैटेलाइट्स लॉन्च किए हुए थे। रिसोर्स की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए, देखने के लिए कि कहाँ कहाँ क्या 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 है, कितना कुछ है, उस रिसोर्स को मॉनिटर करने के लिए। यस द करेक्ट आंसर इज IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। PSLV का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? ये तो इंपॉर्टेंट है, PSLV और GSLV। ओके गुड, द करेक्ट आंसर इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जबरदस्त है ये। पहला रॉकेट इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? साउंडिंग रॉकेट था बच्चों ये। दरअसल मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लोगों ने पब्लिश क्यों नहीं किया पता नहीं। अभी पूरे टॉप 7 या 8 जो इंडिया के लॉन्चर्स थे टिल नाउ रॉकेट्स, PSLV, GSLV, साउंडिंग रॉकेट्स, उन सभी के बारे में मैंने बनाया हुआ था।
ओके, पहला साउंडिंग रॉकेट जो था वो तुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर केरला तिरुवनंतपुरम के पास से किया गया था बच्चों, ऑन 21 नवंबर 1963। ये बेसिक रॉकेट्स हैं बच्चों, बस आप एक जगह से उन्हें शूट करते हैं, वो अप टू सर्टेन लैटिट्यूड जाते हैं, ठीक है, सर्टेन आल्टीट्यूड वो पहुंचते हैं। यहाँ पर कुछ छोटे सा सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट्स उस रेंज के भी नहीं होते थे, बस फोटोस वगैरह लेते थे यहाँ के और वापिस से आके भूमि पर गिर जाता था। ये बेसिक रॉकेट्स होते थे, साउंडिंग रॉकेट्स। 1969 से पहले इसरो को किस नाम से जानते थे? हाँ, उसे मूव करने के लिए साइकिल पे ले गए हुए थे, गुड। नहीं बच्चों, दरअसल कई साउंडिंग रॉकेट्स हमने लॉन्च किए हुए हैं, क्योंकि इंडिया का बेसिक इनिशियल प्रोग्राम था वो। ये एब्सोल्युटली राइट, इनको स्पार कहा जाता था, ठीक है, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च 1962 से लेकर 1969 तक था, और 1969 में इसरो एज इट्स सक्सेसर फुल फ्लेश्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन की एजेंसी बन गई इंडिया की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर है? रशिया ही था बच्चों, मेजर जितने भी हमने लॉन्चेस वगैरह किया ना, रशिया ही था। इवन हमारे डिफेंस का जो बिल्डअप है उसमें भी बहुत ही मदद की हुई है रशिया ने। ओके गुड, इट इज नॉट इन हैदराबाद, इट इज इन देहरादून, ठीक है, इंडियन रिमोट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ओके, जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? पीएसएलवी तो देख ले, वरना जीएसएलवी बिगड़ जाएगा बच्चों, भाई भाई हैं इन दोनों। क्विक सेशन को लाइक करो बच्चों, आपको भी जीएसएलवी के साथ, अभी तो गगनयान हम लॉन्च करेंगे तो उसमें जाने का मौका मिलेगा। क्विक, ये तो मोदी जी भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसरो के हाथ में है ये। यस एब्सोल्युटली राइट, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी। सो दैट वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट रिव्यू क्वेश्चन बच्चों। सो क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको दे दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ I2U2 ग्रुपिंग। I2U2 ग्रुपिंग का मेंबर ये नहीं है, इंडिया, इसराइल, UAE या फिर यूक्रेन। थोड़ा बहुत पढ़ो I2U2 ग्रुपिंग के बारे में, जब समिट चलेगा मैं भी आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, तो कल के सेशन में आपको इसका आंसर मिलेगा। सो बिफोर यू लीव, दिस आर ऑल द कोर्सेस, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है और टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है बच्चों। लेक्चर का पीडीएफ सबसे पहला ऐप, जब आप डाउनलोड करके कोई कोर्स आप बंडल खरीदोगे, देयर विल फाइंड डेली करंट अफेयर्स एंड डिफेंस अपडेट्स। दूसरा वेबसाइट ssbcrackexams.com से भी आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। एंड वॉरियर रिटर्न इज अ कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। जय हिंद।